अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रेपोजिशन। बेसिकली प्रेपोजिशन क्या होते हैं? नाउन और प्रोनाउन के बाद जो यूज़ किया जाता है किसी भी वर्ड में, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। नाउ कम टू अवर चार्ट। एज यू सी प्रेपोजिशन, व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन? अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट रिलेशन विद समथिंग एल्स इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बिफोर शो होते हैं, किसी चीज़ को रिलेट करते हैं जो सेंटेंस में यूज़ किया हुआ होता है। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, इन, अबव, बिसाइड, बिहाइंड, बिफोर, एज वेल एज, फ्रॉम, ऑन। प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज़ होता है, उनका रिलेशनशिप बताते हैं दूसरे वर्ड जो यूज़ होते हैं सेंटेंस में। वो प्रेपोजिशन क्या होते हैं? इन होता है, अबव, बिहाइंड, बिसाइड, बिफोर, एज वेल एज, फ्रॉम, ऑन एंड सो मैनी। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट लेड नाउन और प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो रिलेट करते हैं नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स में जो सेंटेंस में यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, द डिक्शनरी ऑन द डेस्क वॉज ओपन। डिक्शनरी डेस्क के ऊपर है, ये बता रहे हैं कि डिक्शनरी जो है डेस्क के ऊपर ओपन है। Meet me at 3 o'clock tomorrow. Meet me, मुझसे मिलिएगा at 3 बजे कल। The dog is under the bed. इसमें क्या बताया गया है? Under क्या शो किया गया है? Relationship under का किस में शो किया गया है? Between dog और bed के। Under हमने यूज़ किया इस सेंटेंस में जहाँ dog और bed से इसका relationship है। Now there are some more example of preposition. The boy ran behind the building. बॉय रन करना है बिहाइंड द बिल्डिंग। द कैट वॉज ऑन दैट बेड, द कैट है वो बेड के ऊपर है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो? शी वॉज एट होम, वो घर पर है। आई वॉक डाउन द स्ट्रीट, वो वॉक डाउन इन द स्ट्रीट। आई गॉट अ पैक फ्रॉम अ फ्रेंड, मैंने एक पैक वसूल किया है, मतलब लिया है अपने फ्रेंड से। वी रनिंग इन द जिम टूडे, हम रनिंग कर रहे हैं कहाँ? आज जिम में। द सन इज़ अबव द क्लाउड, अबव द प्रपोजिशन है और बताया गया नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप कहाँ से, सन और क्लाउड का रिलेशनशिप बताया गया अबव के थ्रू। नाउ द लास्ट वन, शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच। अब इसमें क्या बताया गया? उन्होंने अपनी रिंग लॉस कर दी, घुमा दी कहाँ? बीच पर। लॉस्ट और जैसे रिंग और बीच का कनेक्शन, मतलब रिलेशनशिप एट से बताया गया। द लास्ट वन, दे वर सिटिंग बाय द ट्री। अब इसमें सेटिंग और ट्री का रिलेशनशिप किससे बताया गया है? बाय से। नाउ स्टूडेंट, सेम लाइक दिस यू हैव टू राइट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशन इन योर वर्कशीट। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। अल्लाह हाफिज़।